ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस संध्याकालीन सत्र में। तो हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें नंबर श्लोक से आज सुनेंगे। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था और वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य, प्रत्येक जीव एक विशिष्ट आत्मा है, वो प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध व्यक्ति के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह विष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म, ना ही द्रोण और ना ही के लिए शोक करने का कोई कारण था। अभी तो उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह में नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर प्राप्त होगा। अतः दोनों ही दशाओं में शोक करना का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को विष्टि आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार के विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा।
जो परमात्मा के अपरिवर्तनशील होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिसे क्षर कहा जाता है, और उनमें भौतिक प्रकृति के गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहां तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत विवृत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में, परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है। वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ ना हो, तो उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्रम यति। सॉरी, जिस प्रकार देहधारी शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर से बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दुष्शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता के श्लोक नंबर दूसरे अध्याय के 13वें नंबर श्लोक से आगे कुछ श्लोकों में आत्मा के अस्तित्व और आत्मा के लक्षणों के ऊपर चर्चा की गई है। कि चर्चा करने का कारण क्या है? तो जैसे कि हमने पहले सुना था कि भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने 5 कारण दिए थे भगवान कृष्ण को कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। तो उनमें से एक कारण था अर्जुन करुणावश युद्ध करना नहीं चाहते थे। करुणावश अर्थात अर्जुन नहीं चाहते थे कि मुझे युद्ध करने के बाद युद्ध युद्ध में अपने गुरुजनों को, पितामह, भीष्म और द्रोणाचार्य को मारना पड़े, और अगर मैं इस तरह उनको मार देता हूं तो जो भी राज्य में भोगूंगा तो वो राज्य उनके लहू से लहूलुहित रहेगा, रक्त रंजित। तो इस प्रकार के सुख भोग की उसकी कोई आशा नहीं थी। तो अर्जुन ने मूलतः 5 कारण भगवद गीता के प्रथम अध्याय में कृष्ण को बताए थे कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। तो उसमें से एक कारण था कि अर्जुन दयावश, करुणावश युद्ध नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था अपने गुरुजनों को, अपने भाइयों को मारना। दूसरा कारण था, अर्जुन को डर लग रहा था कि अगर वो अपने गुरुजनों को, भाइयों को, सगे संबंधियों को मारेगा तो अर्जुन को पाप लगेगा। तीसरा कारण था कि अर्जुन डर रहा था कि इस प्रकार से कुल परंपरा विनिष्ट होने पर तो पूरा कुल नरक की दिशा में चल देगा। कुलक्षयप्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन धर्म नष्टे कुलम कृष्ण अधर्म अभिभवति अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्य। अधर्म बढ़ने पर कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएगी, उनसे वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, इस प्रकार से पूरा पूरा परिवार नारकीय जीवन जिएगा। अर्जुन इसलिए भी युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि अर्जुन को लगता था कि अगर वो युद्ध करेगा और अपने पूर्वजों को, अपने गुरुजनों को वो मारेगा तो उसका सुख, उससे कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि सुख व्यक्ति प्राप्त करता है जब अपने अपनी प्रतिभा को या अपनी सफलता को किसी को दिखाता है, लेकिन जब देखने वाले कोई नहीं होगा तो किसके किसके साथ सुख भोग करेगा। और पांचवा कारण ये था जो दूसरे अध्याय के हमने 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर श्लोक में देखा कि अर्जुन डिसीजन नहीं ले पा रहा, इनडिसिसिव हो गया है। और अर्जुन ने फिर अपना गांडीव धनुष रख दिया
और कृष्ण के सामने हाथ जोड़े खड़ा हो गया, करिष्ये वचनं तव। आप कृष्ण आप बताइए कि शिष्यस्तेऽहं शाधीमां त्वां प्रपन्नम्, मैं आपके शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो ये पांच कारण है जो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तो जो पहला कारण का अब भगवान कृष्ण उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। तो पहला कारण अर्जुन ने जो दिया था आउट ऑफ कंपैशन, करुणावश, अर्जुन ने नहीं चाहता था कि उसके गुरुजनों की मृत्यु हो या उसके रिलेटिव्स की, उसके भाइयों की, उसके पितामह भीष्म की मृत्यु हो। तो इस कारण का समाधान करते हुए भगवान सांख्य का वर्णन कर रहे हैं। सांख्य अर्थात यहाँ पे भगवान आत्मा के विज्ञान का वर्णन शुरू कर रहे हैं। तो अर्जुन का जो पहला पहला तर्क था उसका खंडन होना शुरू हो रहा है दूसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक से। तो पहला जो तर्क था कि दयावश करुणावश अर्जुन नहीं चाहता था कि उसके सगे संबंधियों की मृत्यु हो, अगर सगे संबंधियों की मृत्यु होगी तो ये अर्जुन को दया आ रही थी, ऐसा वो नहीं चाहता था। तो भगवान कृष्ण आत्मा और शरीर का संबंध बताते हुए बताते कि अर्जुन जो आत्मा है वो हमेशा अमर है, नित्य है, सनातन है, और शरीर तो हमेशा से मरा हुआ है। ये शरीर तब तक जीवित है जब तक उसके अंदर आत्मा है। तो मान लो अगर तुम्हारे गुरुजनों का ये शरीर छूट भी जाता है तो वास्तव में गुरुजन का अस्तित्व तो बना रहेगा, केवल वो शरीर परिवर्तित करेंगे। और उस बात को प्रतिपादित करने के लिए भगवान ने श्लोक को कहा, देहि नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। दो शब्द हैं आपके, देह और देही। देह मतलब होता है शरीर और देही मतलब होता है शरीर में रहने वाला, यानी आत्मा। तो देह और देही, तो देह का अर्थ होता है ये गाड़ी जिसके अंदर ड्राइवर है देही या आत्मा। तो बोल रहे हैं देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जो देही है, जो देह के अंदर रहने वाली आत्मा है, वो एक जैसी बनी रहती है लेकिन शरीर में परिवर्तन आता है। किस तरह परिवर्तन आता है? कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, जरा अवस्था। तो शरीर परिवर्तनशील है लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं आता। तथा देहांतर प्राप्ति, उसके बाद देह का अंतर होता है, ये शरीर छूट जाता है और आत्मा यानी देही दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। धीर व्यक्ति इसको समझ करके, इसको देख करके मोहित नहीं होता। मोह शब्द का अर्थ होता है बिविल्डर नहीं होता, भ्रमित नहीं होता, यह अपने कर्तव्य निर्वाह से वो चूकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ये सिद्धांत, उसको ये मैकेनिज्म पता है कि परिवर्तन शरीर में हो रहा है, आत्मा में नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिस मनुष्य को विष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वो धीर कहलाता है। तो धीर शब्द की व्याख्या प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कौन व्यक्ति धीर है, जिसको वेष्टि आत्मा, वेष्टि शब्द तो अर्थ होता है इंडिविजुअल। तो क्या क्या चीज जानने से व्यक्ति धीर बन जाता है? पहले तो आत्मा, वेष्टि आत्मा, इंडिविजुअल सोल। तो ऐसे कितनी वेष्टि आत्माएं है? तो अंगिनत आत्माएं हैं, अंगिनत आत्माएं हैं, जैसे अंगिनत जीव है। और जीव अर्थात मतलब आप देखिए कितने 84 लाख योनियों में कितने प्रकार के जीव हो गए, 84 लाख प्रकार के जीव है और एक एक प्रजाति में करोड़ों अरबों खरबों जीव है। जैसे चीटियां, तो असंख्य चीटियां हैं, मनुष्य तो भी असंख्य मनुष्य हैं, पशु पक्षी तो असंख्य पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे तो असंख्य पेड़ पौधे हैं। तो और ये सभी के अंदर एक आत्मा है जो उनको चलाती है, चलायमान है। तो आत्माओं की संख्या अनेक है, विष्टि आत्मा, इंडिविजुअल सोल। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जिस व्यक्ति को वेष्टि आत्मा का ज्ञान है, लेकिन सभी वेष्टि आत्माओं के साथ में भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में रहता हूँ। तो सभी जीवात्माओं के साथ में भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो उदाहरण दिए गए कैसे रहते हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य है और 1000 मटके हैं जिसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, तो एक सूर्य का प्रतिबिंब 1000 मटके पर पड़ेगा। तो उसी प्रकार से भगवान एक है, परमात्मा एक है, लेकिन वो सभी जीवों के हृदय में प्रतिबिंबित होते हैं। यहीं पे लिखा जाए प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहृत किया जा सकता है। परमात्मा के अस्तित्व को हम कैसे समझ सकते हैं? प्रतिबिंब के सिद्धांत से। दूसरा उदाहरण हम समझ सकते हैं, जैसे आजकल हो गया GPS, तो एक ही सैटेलाइट है लेकिन 1000 व्यक्ति मान लीजिए अपने मोबाइल में रास्ता खोज रहे हैं, 1000 डेस्टिनेशन। किसी व्यक्ति को एक स्थान पर जाना है, दूसरे व्यक्ति को दूसरे स्थान पर जाना है, किसी को दिल्ली जाना है, किसी को बंबई जाना है, किसी को कलकत्ता जाना है।
हजार लोग हजार स्थान की खोज कर रहे हैं, पर सैटेलाइट एक ही है, तो जीपीएस कैसे काम करता है? वो हजार व्यक्ति को हजार मार्ग दिखा रहा है, लेकिन है वो एक ही, जीपीएस एक ही सिस्टम है। तो इस प्रकार से परमात्मा एक ही है, लेकिन असंख्य जीवों को वो असंख्य प्रकार से प्रेरित करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, या विस्मृति स्मृति प्रदान करते हैं। तो ये उदाहरण क्या दिया गया? प्रतिबिंबवाद का उदाहरण। प्रतिबिंबवाद अर्थात जैसे एक सूर्य है, 1,000 मटकों के ऊपर उसके प्रतिबिंब पड़ेगा, तो 1,000 सूर्य प्रतीत होते हैं, पर है सूर्य एक ही। तो उसी प्रकार से परमात्मा एक ही है, लेकिन वो सभी जीवों के हृदय में प्रतिबिंब के रूप में विद्यमान है। ये प्रतिबिंब की एनालॉजी से हम समझ सकते हैं। तो ऐसे बेशी आत्मा है, असंख्य आत्माएं हैं, और हर आत्मा के साथ भगवान परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिसको व्यष्टि आत्मा परमात्मा और भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वो धीर कहलाता है। भौतिक प्रकृति मतलब जिस प्रकृति में हम रहते हैं, तो आध्यात्मिक प्रकृति जो सनातन है, भौतिक प्रकृति जिसका जिस जिसका एक समय जन्म होता है और कुछ समय विलय हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है, सनातन है। तो जिसको इस विषय का पूर्ण ज्ञान होता है उनको धीर कहा जाता है। और इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी फिर से मायावाद का खंडन कर रहे हैं। बेष्टि आत्मा का अर्थ होता है कि आत्माएं बेष्टि है, इंडिविजुअल हैं। आप एक अलग आत्मा है, मैं एक अलग आत्मा हूं, सारे जीव सब जीवात्मा अलग आत्माएं हैं, हम एक नहीं है। एक का अर्थ है कि सभी जीवात्माएं अलग अलग है, उनका स्वरूप एक जैसा है, सच्चिदानंद में चिन्मय है, भगवान के अंश है, लेकिन फिर भी सबकी इंडिविजुअलिटी है, सब एक बेष्टि आत्मा है। तभी तो देखिए हर व्यक्ति की अपनी, मान लीजिए दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो दो जुड़वा बच्चों की सबकी चाहते अलग अलग होती है, सबके विचार शक्ति अलग अलग होती है, सबका लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग अलग होता है। यद्यपि दोनों जुड़वा हैं, दोनों को दिखने में एक जैसा लगता है, लेकिन उनकी मन की वृत्ति, उनकी बुद्धि की वृत्ति और उनकी वृत्ति अलग अलग है। तो क्योंकि वो दो बिष्टी आत्माएं हैं, लेकिन कुछ दार्शनिक का मानना है सब एक है, तो वो दर्शन ठीक नहीं है। एक एक सिद्धांत दिया जाता है मायावादियों के द्वारा, एक सिद्धांत दिया जाता है जिसको प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में खंडन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, मतलब मायावादी कहते हैं, इसे मान लीजिए एक कागज का टुकड़ा है, तो उस कागज के टुकड़े को आप फाड़ दीजिए तो क्या हो गया, 1,000 टुकड़ों में बांट दीजिए, तो वो जो कागज है वो 1,000 टुकड़ों में बट गया, लेकिन अब वो 1,000 टुकड़ों का अस्तित्व है पर उस मूल कागज का अस्तित्व नहीं है। तो वो इस प्रकार बताते हैं कि जो वास्तव में जो परमात्मा है वो इस प्रकार से असंख्य जीवात्माओं के रूप में विभक्त हो गया, इसलिए जीवात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि वही परमात्मा जीवात्माओं के रूप में विभक्त हो गया है, और अलग से परमात्मा का कोई स्वरूप या कोई अस्तित्व नहीं बचा। तो इस दर्शन को बहुत लोग मानते हैं, इसलिए अगर आप उनसे पूछे परमात्मा कौन है, बोले बोलते तुम ही परमात्मा हो। कैसे परमात्मा हो? भाई जो परमात्मा मूल जो परमात्मा था वो असंख्य भागों में विभक्त हो गया, असंख्य जीवों में विभक्त हो गया, तो अब जो मूल परमात्मा है उसका अस्तित्व तो नहीं है। लेकिन प्रोपा जी इस तर्क का खंडन करते हैं, क्योंकि ये जो तर्क दिया जाता है ये भौतिक वस्तु के ऊपर लागू होता है। जैसे एक कागज का टुकड़ा है, एक कागज है जिसके 1,000 टुकड़े कर दिए गए, तो अब मूल कागज का अस्तित्व तो नहीं बचता, क्योंकि कागज एक भौतिक वस्तु है। लेकिन यही सेम सिद्धांत ईश्वर के ऊपर या परमात्मा के ऊपर हम लागू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान चिन्मय है, दिव्य है, और इसलिए वेद में कहा गया है पूर्ण मदा पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवाशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकालने पर भी जो भगवान है वो पूर्ण रहते हैं। इसका अर्थ है कि यद्यपि असंख्य जो जीवात्माएं हैं ये भगवान का ही अंश है, लेकिन अंश होने पर भी इसका अर्थ ये नहीं होता है कि यह मूल परमात्मा का अस्तित्व ना बचा हो। ये सिद्धांत समझिए, मतलब मूल परमात्मा का अस्तित्व तो अभी भी बचा हुआ है, भले ही असंख्य जीवात्माएं विभक्त हो गई हो। अच्छा, दूसरा सिद्धांत समझिए, रूपा जी तर्क कर रहे हैं कि देखिए परमात्मा है अपरिवर्तनशील, नित्य सनातन। अगर हम बोलते हैं कि परमात्मा टूट करके असंख्य आत्माओं में तब्दील हो गए, बदल गए, उनके अंदर विवर्त आ गया, बदलाव आ गया,
तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो सिद्धांत दिया जाता है कि भगवान अव्यय है, जिनका व्यय नहीं होता, जिनका चेंज नहीं होता, तो वो सिद्धांत या वो इसका मतलब है वो लॉजिक यहाँ पे अर्थ काम नहीं करेगा। अगर भगवान अपरिवर्तनशील है, अगर परमात्मा अपरिवर्तनशील है, अगर परमात्मा अव्यय है, तो अनंत कोटि जीवात्माओं में परिणित होने पर अगर उनका अस्तित्व नहीं बचा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सिद्धांत है अपरिवर्तनशील, ये गलत था। या अव्यय जो है, ईश्वर अव्यय है, ये भी गलत हो गया, वो तो व्यय हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, भगवान तो अव्यय है, इनका व्यय नहीं होता। तो इसलिए ये जो तर्क हम देते हैं कि परमात्मा ही असंख्य जीवात्माओं में परिणत हो गए, ये तर्क गलत है, ऐसा नहीं है। तो फिर वैष्णव दर्शन उसको स्पष्ट करता है कि ईश्वर के दो प्रकार के अंश होते हैं, एक होता है स्व अंश, एक होता है विभिन्न अंश। जो भगवान के अवतार होते हैं, रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन नाना अवतार अक्रोरम, तो जो नाना अवतार हैं, वराह वामन नरसिंह इत्यादि जो अवतार है, ये सब भगवान के स्व अंश हैं। लेकिन जो जीवात्मा है वो है विभिन्न अंश। विभिन्न अंश अर्थात ये हमेशा से अंश है, ये हमेशा से इनका अस्तित्व है। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, जो जीवात्मा है उस सनातन काल से भगवान का अंश है। और ऐसा कभी नहीं था कि वो किसी समय जुड़ी हुई थी और वो एक समय बाद टूट गई, और परमात्मा भी टूट करके जीवात्मा में परिणत हो गए। तो ये सिद्धांत देंगे तो परमात्मा का अपरिवर्तनशील या अव्यय स्वरूप नहीं रहेगा। अगर भगवान अव्यय है, परिवर्तन अपरिवर्तनशील है, तो जीवात्माओं का विघटन होने पर भी, जीवात्माओं का उत्प्रेक्षण होने पर भी उनका अस्तित्व बना रहेगा। तो यह है वैष्णव दर्शन, यानी अनंत कोटि जीवात्माएं हैं, असंख्य जीवात्माएं हैं, लेकिन साथ साथ परमात्मा का अस्तित्व भी है, और ये सब जीवात्माएं परमात्मा का ही अंश है। तो भौतिक बुद्धि से व्यक्ति सोचता है कि अगर परमात्मा का अंश है जीवात्माएं, अगर परमात्मा से टूट करके जीवात्माएं बनी है, तो परमात्मा में विघटन हो गया, परमात्मा में व्यय हो गया, परमात्मा टूट करके जीवात्मा परिणित हो गए। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन तो है परमात्मा अव्यय है अपरिवर्तनशील। तो आप कहोगे प्रभु जी ऐसे कैसे हम समझ सकते हैं कि टूट के अंश भी है, एट द सेम टाइम उनका व्यय भी नहीं होता। तो यही तो चिन्मय वस्तु है। महाभारत में कहा गया है कि चिन्मय वस्तु जो होती है, जो आध्यात्मिक होता है, स्पिरिचुअल होता है, वो चिंतन से परे है, वो अचिंत्य है। तो हमें ये समझना पड़ेगा अचिंत्य ये कैसे संभव है कि एक परमात्मा के अनंत कोटि जीवात्मा अंश है, फिर भी परमात्मा व्यय नहीं होता। यही बस समझने की बात, इसको हमको स्वीकार, वेद के वाक्य को यथारूप स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे है प्रभुपाद जी उपदेशामृत के इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल देते हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए हड्डी, किसी भी पशु की हड्डी अस्वच्छ है, मतलब उसको छू करके स्नान करना चाहिए, लेकिन जो शंख है वो क्या है? तो शंख है, वो भी एक तो एक जीव की हड्डी है, लेकिन वो इतना पवित्र है कि इसको मंदिर में रखा जाता है। उसी प्रकार से किसी भी पशु के मल को अगर आपने छू दिया तो स्नान करना चाहिए, लेकिन गोबर क्या है? तो गोबर भी तो गाय का पशु मल है, लेकिन वो पवित्र है। तो देखिए, तो प्रोपा जी कहते हैं वेद के वाक्य को यथारूप स्वीकार करना चाहिए, बिना अपने स्पेकुलेशन लगाए, बिना उसमें उसमें अलग से हमको कॉन्कॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मायावादियों के द्वारा इस तरह से मन में स्पेकुलेट कर लिया गया, ये विचार उन्होंने इस तरह बना लिया कि परमात्मा के अंश है जीवात्मा, अगर जीवात्मा का विघटन हो गया हो, जीव अनंत कोटि जीवात्मा बन गई है, तो परमात्मा का मूल अस्तित्व तो नहीं बचा, क्योंकि अब वही परमात्मा जीवात्मा के रूप में विभक्त हो गए। पर ये बिल्कुल गलत सिद्धांत है, ऐसा वेद नहीं मानता। वेद मानता है कि हाँ, जीवात्मा परमात्मा का नित्य अंश है, लेकिन फिर भी ये विभिन्न अंश है, ये हमेशा से अंश है, और इस तरह से टूट करके परमात्मा से जीवात्मा बनी है, ये सिद्धांत गलत है। अगर टूट करके बनती है, तो फिर परमात्मा अपरिवर्तनशील नहीं रह सकते, अव्यय नहीं रह सकते, और अगर अपरिवर्तनशील अव्यय नहीं रह सकते, तो फिर उनके अंदर जो डेफिनेशन है कि भगवान अपरिवर्तनशील और अव्यय है, वो लागू नहीं हुई। इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि परमात्मा अव्यय है, अपरिवर्तनशील है, लेकिन फिर भी जीवात्मा उनके अंश है, परमात्मा एक है, जीवात्मा अनेक है, तो
वेष्टि जीवात्माएं हैं और सभी ये अंश हैं। इसको हमको वेद के वाक्य को यथारूप स्वीकार करना पड़ेगा बिना अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए। तो ये बात प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बोल रहे हैं। तो बार बार ये जानना आवश्यक क्यों है, क्योंकि बहुत सारे दार्शनिकों का मत होता है कि परमात्मा ही टूट करके जीवात्मा बन गए हैं, इसलिए परमात्मा और जीवात्मा में का अलग अलग अस्तित्व नहीं है, जीवात्मा ही परमात्मा है। इसको और कई जगह भगवद गीता में इस तरह का तर्क का खंडन किया गया है। जैसे एक जगह पे खंडन किया गया है, भगवान खुद ही बोल रहे हैं, दो इमाओ पुरुषाओ लोके, बोल रहे हैं कि दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष शब्द का अर्थ क्या होता है, हमने पहले भी चर्चा किया है, पुरी में निवास करने वाला, शरीर रूपी पुरी में निवास करने वाले दो प्रकार के ईश्वर है, दो प्रकार के पुरुष हैं, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके। तो दो क्यों है, दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं जो इस पुरी में, इस क्षेत्र में निवास करते हैं। एक होता है वेष्टि जीवात्मा और दूसरा होता है परमात्मा। तो सभी के शरीर में अलग अलग आत्मा है, सब एक वेष्टि जीवात्मा है। आप एक अलग जीव है, मैं एक अलग जीव हूं, आप भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा, इस प्रकार सभी व्यक्ति एक आत्मा है, लेकिन सभी के हृदय में एक ही परमात्मा रहते हैं। और वो कैसे हम समझ सकते हैं, तो उदाहरण दिए गए प्रतिबिंबवाद का, कि भाई सूर्य तो एक है लेकिन हजार घड़ों के अंदर वो प्रकाशित हो रहा है, तो उसी प्रकार से परमात्मा एक है लेकिन हजारों जीवात्माओं के हृदय में वो अब विद्यमान है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हमको सुन करके यथारूप ग्रहण करना पड़ेगा। इस पे कोई स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन नहीं बचता, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करने के माध्यम से, कॉन्कॉक्शन के माध्यम से, मानसिक विचारधारा अपनी धरातल पर इसके बहुत सारे अर्थ निकाल देते हैं, लेकिन हमको भगवद गीता में दिए गए सिद्धांत को यथारूप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए प्रभा जी क्लियर लिख रहे हैं, ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहां तक कि मुक्ति के बाद भी वेष्टि आत्मा जैसे का तैसा अंश बना रहता है। हाँ, कुछ लोग का मानना है कि नहीं, जब तक हम लोग इस बद्ध जीवन में हैं, भौतिक संसार में हैं, मुक्त नहीं हुए हैं, तब तक वेष्टि जीवात्मा परमात्मा से अलग है, और जब मुक्त हो जाएगा तो परमात्मा विलीन हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी क्लियरली कह रहे हैं, नहीं, ये भिन्न अंश नित्य रूप से भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी वेष्टि आत्मा जैसे का तैसा बना रहता है। तो जैसे तैसा बना रहता है तो वहां पे क्या प्राप्त करता है, तो वहां पे भी शरीर प्राप्त करता है। जैसे मृत्यु के पश्चात जीवात्मा एक अनेक अलग प्रकार का शरीर प्राप्त करती है, तो मुक्ति के बाद भी वो एक अलग प्रकार का शरीर प्राप्त करती है, जिसको दिव्य चिन्मय या सच्चिदानंद शरीर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए भगवद गीता के दो श्लोकों में मायावाद का खंडन हो गया। पिछले श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, न तो वाहम जातु नासम न तुम ने जनादि पहा न चैव न भविष्यम सर्वे मतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम नहीं थे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजागण नहीं थे। हम हमेशा से हैं, हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे अर्थात मुक्ति के पश्चात भी रहेंगे। फिर इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो जीवात्मा होती है वो सेम रहती है, लेकिन शरीर में परिवर्तन आता है, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। और देह का जब अंतर हो जाता है, तो जब ये शरीर छूट जाता है, तो दूसरा शरीर जीवात्मा प्राप्त करती है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि अर्जुन को यहाँ शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इनको भी एक अलग शरीर प्राप्त होगा, क्योंकि ये पुण्यात्मा थे तो इनको दिव्य शरीर प्राप्त होगा वैकुंठ में, या अधिक से अधिक अगर वैकुंठ में ना जाएं तो स्वर्ग में शरीर प्राप्त होगा। तो स्वर्ग एक भौतिक जगत में ही, स्वर्ग एक हिस्सा है, तो वहां भी कुछ अच्छी बात है, कब से स्वर्ग में जा रहे हैं, इससे बेटर शरीर मिलेगा। और अगर वैकुंठ में जाएंगे यानी मुक्ति हो जाएगी, तो वहां पे ऐसा नहीं कि ईश्वर के शरीर में विलीन हो जाएंगे, वहां पे उनको दिव्य और चिन्मय आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, जो शरीर भूख प्यास से परे है, जो शरीर विभिन्न प्रकार की कामनाओं से मुक्त है। वहां पे इस प्रकार दिव्य शरीर में, आध्यात्मिक शरीर में कामनाएं नहीं रहती है, आध्यात्मिक शरीर में भूख प्यास नहीं रहती है, आध्यात्मिक शरीर में राग द्वेष नहीं रहता है। ये सब राग द्वेष भूख प्यास सर्दी गर्मी का अनुभव ये हमें भौतिक शरीर में होता है, लेकिन आध्यात्मिक शरीर में सब कुछ चिन्मय है, वहां पे इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, वहां पे द्वैत की भावना नहीं है, सुख दुख सर्दी गर्मी राग द्वेष वहां पे नहीं है, भूख प्यास भी वहां पे नहीं लगती है आध्यात्मिक शरीर में। तो या तो उनको स्वर्ग में शरीर प्राप्त होगा या तो आध्यात्मिक जगत में शरीर प्राप्त होगा, तो अर्जुन तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए क्लियरली मायावाद का खंडन कर दिए कि मुक्ति के पश्चात जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, यानी शरीर तो रहता है लेकिन वो आध्यात्मिक शरीर रहता है। इसका मतलब है जीवात्मा का अस्तित्व बना रहता है और
वो परमात्मा में विलीन नहीं हो जाता। तो ये दो श्लोकों में, 12 नंबर श्लोक और 13 नंबर श्लोक में जम के इस सिद्धांत का खंडन किया गया है। और यहां तक कि यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर में परिवर्तन हो रहा है, आत्मा वही बनी रहेगी। 14 नंबर श्लोक, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख था आगम अपाइनोआ नित्य स्तांत शिष्य भारत। ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही भगवान ने आत्मा की चर्चा शुरू करी, अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि अब तुम्हें अर्जुन तितिक्षवा, तितिक्षवा का अर्थ होता है टॉलरेंट बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा अपरिवर्तनशील है लेकिन शरीर में परिवर्तन आता है, और तुम्हें इसको धीर होकर के स्वीकार करना पड़ेगा। और शरीर से संबंधित जो शरीर का सुख दुख होता है, जब शरीर में परिवर्तन आता है तो शरीर से संबंधित सुख और दुख का साइकिल भी चलता रहता है। कैसे चलता है? शीतो उष्ण सुख दुख था, जैसे सर्दी और गर्मी आती है वैसे सुख और दुख का साइकिल भी चलता रहता है। आगम अपाइनो, आता है चला जाता है, अनित्यम, ये नित्य नहीं है, शरीर नित्य नहीं है, और शरीर के द्वारा भोगे जाने वाले सुख और दुख भी नित्य नहीं है। इसलिए अर्जुन तुम तितिक्ष बनो, तुम टॉलरेंट बनो, तुम सहनशील बनो। तो यहां पे दो शब्द प्रयोग किए अर्जुन के लिए, एक है भारत और एक होता है कौन्तेय। कौन्तेय बोलने का कारण यह है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तुम कुंती के पुत्र हो, तुम्हारी माँ कुंती ने कितने प्रकार के दुख झेले हैं। तुम्हारी माँ कुंती ने जब तुम छोटे बच्चे थे तब तुम्हारे पिता का निधन हो गया, और तब कुंती ने तुम्हें किस तरीके से पाल पोस कर बड़ा किया है। और उसके बाद में कुंती यद्यपि थी तो रानी, महाराज पांडु की पत्नी, लेकिन उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा, और अच्छा ये शायद वीडियो बंद करके चालू करना पड़ेगा, ठीक है इसको बंद करके चालू कर दीजिए। तो मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो अनित्य शांत दिशस्तु भारत। तो जैसे भगवान ने आत्मा के विषय में बताना शुरू किया तो अर्जुन को उन्होंने सहनशील बनने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा अर्जुन जैसे शरीर परिवर्तनशील है तो शरीर से मिलने वाले सुख और दुख भी परिवर्तनशील है, और जिस तरीके से सर्दी गर्मी आती है उसी प्रकार से सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, तुम उसको सहन करना सीखो। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को दो नामों से संबोधित कर रहे हैं, कौन्तेय और भारत। क्यों? अर्जुन कृष्ण की बुआ कुंती का पुत्र है, और कृष्ण कहना चाह रहे हैं अर्जुन तुम्हारी माँ कुंती ने कितने विभिन्न प्रकार के कष्ट सहे हैं। जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई, और कितने कष्ट के साथ तुम्हारी माँ ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया। इतना ही नहीं, कुंती एक रानी थी लेकिन उनको जंगलों में भटकना पड़ा। इतना ही नहीं, तुम लोगों को मारने के लिए कितना बार प्रयास किया गया कौरवों के द्वारा। विशान महाग्ने पुरुषा दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छता मृदय मृदय अनेक महारथास्तु द्रोणी अस्त्र चास्पे हरे अभिरक्षिता। तो कुंती महारानी कह रही है विशान महाग्ने पुरुषा दर्शनात्, विशान विष देने का प्रयास किया गया, भीम को विष देने का प्रयास किया गया, और लक्षाग्रह में पूरे पांडवों को कुंती सहित जलाने का प्रयास किया। विशान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शिता, इस प्रकार कितने कितनी जगह पर नरभक्षी एक राक्षस खाने के लिए आया था पांडवों को, और उसके बाद में पुरुषार्थ दर्शन असत सभाया, असत सभा में यानी असत लोगों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। वनवास कृच्छता, और वन में जाना पड़ा, अनेक अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। तो कृष्ण कह रहे अर्जुन तुमको जो कष्ट प्राप्त हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं है, तुम याद करो तुम्हारी माँ कुंती को कितने कष्ट प्राप्त हुए। तो इसलिए अर्जुन को कौन्तेय करके संबोधित कर रहे हैं, कौन्तेय तुम कुंती के पुत्र हो, ध्यान करो कि कुंती ने कितने प्रकार के कष्टों का अनुभव किया, तो कितने विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने पड़े, तो तुमको तुम्हारे कष्ट तो तुम्हारी माँ कुंती के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कृष्ण ने जब जब तितिक्षा वक्त जब टॉलरेंस की शिक्षा देना शुरू करी तो अर्जुन को कौन्तेय करके कहके संबोधित किया। और भारत कहके क्यों संबोधित किया? क्योंकि क्योंकि अर्जुन एक महान वंश भरत वंश से आया है,
भारत कहने के द्वारा कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि तुम एक महान वंश से आए हो, इसलिए तुम्हारे लिए इस तरह से इसलिए तुम्हारे लिए इस तरह से विचलित होना तुम पर शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम एक महान वंश से आए हो। तो इसलिए अर्जुन को भारत कहकर संबोधित किया। तो यहाँ पे आत्मा के विज्ञान को बताने के दौरान कृष्ण को ये सहनशीलता का उपदेश देने की क्या आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि जिस प्रकार से शरीर परिवर्तनशील है, सेल से मिलने वाले सुख और दुख भी सीजनल चेंजेस की तरह, मौसम की तरह आते और जाते रहते हैं। इसलिए अर्जुन को चाहिए कि वो सहन करना सीखे। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख, क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना, सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अविचल भाव से सहन करना सीखे। तो प्रोपा जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने की सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातःकालीन स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में भी मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। जलवायु संबंधी सुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना, जलवायु संबंधित असुविधाएं होते पर भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अथवा अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म में विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। तो मैंने ये व्याख्या कर दी कि अर्जुन को दो नामों से संबोधित किया गया है उसका एक महान कारण है। तो यहाँ पे प्रोपाद जी कह रहे हैं कि कर्तव्य निर्वाह करने के लिए व्यक्ति को सुख दुख आते हैं तो फिर भी उनको सहन करके अपना कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि सुख दुख तो शरीर से उत्पन्न होते हैं। मात्रा स्पर्श तो कौन थे, स्पर्श सुख कहते हैं। जैसे सर्दी गर्मी, तो शरीर इस त्वचा के संपर्क में आने से सर्दी और गर्मी का अनुभव होता है, तो स्पर्श तो स्पर्श सुख कहलाता है। जिस प्रकार स्पर्श सुख और दुख लगे रहते हैं, लेकिन जीवात्मा को चाहिए, व्यक्ति को चाहिए कि अपने कर्तव्य से वो कतई भी विचलित ना हो। इस विषय पे भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। मात्र स्पर्शस्तु तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख था। जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि शरीर और आत्मा के विषय में जब भगवान बता रहे हैं, तो शरीर की जहां तक बात है तो हमेशा इससे लगे सुख और दुख लगे रहेंगे, लेकिन आत्मा अनुशीलन करने वाला व्यक्ति को उसको सहन करना आवश्यक है। इस प्रकार से भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर वापस से भगवान आत्मा के लक्षणों के ऊपर बोल रहे हैं, जिसको हम संक्षेप में सुनते हैं। यम ही ना व्यथ्यन्ते अन्ते पुरुषम पुरुषा ऋषभ समा दुखम सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। तो कौन व्यक्ति मुक्ति के योग्य है? सो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत का पान करता है। कौन? जो सुख और दुख में धीर भाव बनाए रखता है। तात्पर्य लिख रहे प्रभुपाद जी, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, तो निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को समुच्च पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाई के होते भी संन्यास आश्रम तो अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाई को सह लेता है तो उसे आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह करने में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था, यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था।
तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी दो दो स्थितियों को रिलेट कर रहे हैं। एक एक क्षत्रिय की स्थिति, जिसको युद्ध कर्तव्य निर्वाह करने के लिए अपने ही सगे संबंधियों का वध करना पड़ेगा, और दूसरा एक सन्यासी जो घर गृहस्थी को छोड़ करके आत्म साक्षात्कार के प्रयास में लग जाता है। तो दोनों ही कष्टकारी अवस्था है, क्योंकि यहाँ पे स्वजनों से विच्छेद होने का दुख बना रहता है। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक जीवन के प्रति सीरियस है, उसे चाहिए कि वो इस प्रकार की कठिनाई को सहन करके आगे बढ़ता रहे। तो ये बात क्यों भगवान बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि स्वजनों का साथ जो विच्छेद होगा, तो स्वजन शरीर के द्वारा संबंधित है, लेकिन भगवान बार बार क्लियर कर रहे हैं कि शरीर परिवर्तनशील है, शरीर से संबंधित सुख और दुख परिवर्तनशील है, शरीर से संबंधित सगे संबंधी परिवर्तनशील है, शरीर से संबंधित सब वस्तुएं परिवर्तनशील है। तो यह परिवर्तनशील चीज को समझे और आत्म साक्षात्कार में दृढ़ बना रहे। तो परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील के बीच का जो डिफरेंस भगवान बार बार अनेक अनेक श्लोकों में बता रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि दो दो प्रकार की मृत्यु बहुत ही भाग्यवान लोगों को प्राप्त होती है। एक जो योगी आत्म साक्षात्कार का प्रयास करते हुए शरीर का त्याग करे, और दूसरा एक क्षत्रिय जो युद्ध भूमि में शरीर को न्योछावर करे। दोनों ही मृत्यु दोनों प्रकार की मृत्यु ही वास्तव में बहुत कल्याणकारी मृत्यु मानी गई है। तो अर्जुन एक क्षत्रिय है, तो अर्जुन के उदाहरण और एक सन्यासी के उदाहरण से भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि जब हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के कष्टों को अनुभव करना पड़ता है, लेकिन एक धीर व्यक्ति को चाहिए कि उस कष्ट को अनुभव करता रहे, कष्ट का अनुभव करने के साथ साथ वो कष्ट का अनुभव तो होगा ही, लेकिन अपने गोल से विचलित ना हो। और प्रभुपाद जी अपने खुद निजी जीवन से ये सिखाते हैं। प्रभुपाद जी जिस प्रकार से अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में रह सकते थे, लेकिन प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ करके भी पश्चात जगत में जाते हैं और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी को सभी प्रकार के कष्टों का अनुभव करना पड़ा। शारीरिक कष्ट का अनुभव करना पड़ा, जैसे कि उनको हार्ट अटैक आया। मानसिक कष्ट का अनुभव करना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई धन नहीं था और ना ही किसी का सहयोग था, और परिस्थितियां पूरी तरीके से विपरीत थी। जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे, तो प्रभुपाद जी का किसी ने टाइपराइटर चुरा लिया। प्रभुपाद जी को एक एक ड्रग एडिक्ट हिप्पी ने मारने का भी प्रयास किया। इस प्रकार से मानसिक शारीरिक और मानसिक आघात होता रहा, लेकिन प्रभुपाद अपने अपने कर्तव्य में दृढ़ प्रतिज्ञ बने रहे, और उन्होंने हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण स्थापित किया। और केवल प्रभुपाद जी नहीं, प्रभुपाद जी के परंपरा में आने वाले प्रभुपाद जी के अनेक अनेक शिष्यों ने भी इस प्रकार का उदाहरण सेट किया। तो ये सब उदाहरण से क्या स्पष्ट हो रहा है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कष्टों को स्वीकार करना पड़ता है, तो वो भी करना चाहिए। क्योंकि इससे इससे व्यक्ति आगे चल के अमृत स्वअमृतत्वाय कल्पते, अमृत का पान करेगा। हाँ, तो ये इस विषय पे हम लोग अगले सप्ताह में और चर्चा करेंगे कि अमृत वास्तव में है क्या, किस प्रकार के अमृत का जीवात्मा पान करेगी, और भी इसमें आत्मा के संबंध में बहुत सारी बातें बताएंगे भगवान कि आत्मा नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नास्तो विद्यते भावो। तो अभी ये जो दो श्लोक बीच में आए थे, यानी 13 नंबर 14 नंबर श्लोक और 15 नंबर श्लोक, यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको आत्म साक्षात्कार में स्थित होने के लिए उत्साहित किया। उसके बाद से फिर से भगवान आत्मा के सिद्धांत, आत्मा के लक्षणों को बताना शुरू करेंगे। जैसे तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का कोई चिर अस्तित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित है। उन दोनों की प्रकृति का अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। तो भगवान आगे शरीर की प्रकृति और आत्मा की प्रकृति विचार प्रकाश डालेंगे। जो सारे जीव जो शरीर में व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो शरीर के अंदर क्या व्याप्त है? शरीर के अंदर चेतना व्याप्त है। तो भगवान चेतना के विषय में प्रकाश डालेंगे, और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य में इसको आगे स्पष्ट करेंगे कि आत्मा का कितना आकार है, किस प्रकार से आत्मा हृदय में रह करके पूरे शरीर को चलायमान रखती है, किस प्रकार से
जैसे उदाहरण दिया जाएगा कि जैसे आग जलती है एक कमरे के किसी कोने में, तो पूरे कमरे में उष्मा हीट और लाइट फैल जाता है। उसी प्रकार से आत्मा हृदय में एक जगह पे तैरती रहती है, पांच प्रकार की वायु प्राण अपान उदान वयान समान, और वहां से पूरी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। तो आगे हम सुनेंगे किस प्रकार से आत्मा हृदय में विद्यमान है और चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, किस प्रकार से जो आत्मा है उसकी चेतना मन को पेनेट मन और इंद्रियों से पेनेट्रेट करते हुए बाहर निकलती है, हम इस विषय में सुनेंगे। फिर आगे भगवान बताएंगे अविनाशी अप्रमेय और शाश्वत जीव को भौतिक शरीर का अंत अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो फिर से भगवान आत्मा के अविनाशी स्वरूप अप्रमेय, प्रमेय प्रमेय का अर्थ होता है इसको नापा जा सकता है, अप्रमेय मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता है, और शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी। तो शरीर का अंत अवश्यंभावी है, जीव शाश्वत है, अप्रमेय है, शरीर प्रमेय है जिसको नापा जा सकता है, लेकिन आत्मा अप्रमेय है। इस विषय में भगवान बोलेंगे, तो इसको भी हम सुनेंगे। फिर उसके बाद में भगवान बोलेंगे जो ये जीवात्मा को मारने वाला समझता है, ये जो उसे मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना ही मारा जाता है। इसी प्रकार के उपदेश भरत महाराज ने, जड़ भरत ने महाराज रहुगण को दिए थे, तो वो उपदेशों से भी हम सुनेंगे कि किस प्रकार से जड़ भरत महाराज रहुगण को आत्म तत्व विज्ञान का विश्लेषण कर रहे हैं। तो ये भी हम अगले सप्ताह में इस विषय में सुनेंगे। न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्यम शाश्वतम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा के लिए किसी काल में न तो जन्म है, न जायते न म्रियते न मृत्यु होती है, ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना ही जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती है, इस विषय में भगवान बता रहे हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है? तो कौन मार रहा है, शरीर मार रहा है या आत्मा मार रही है, और कौन मर रहा है, शरीर मर रहा है कि आत्मा मर रही है, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। प्रसंग इस प्रकार का आएगा कि महाराज भरत जो कि एक अपने सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए और एक हिरण से आसक्त हो गए थे, तो उन्हें फिर हिरण का शरीर प्राप्त करना पड़ा, और उसके पश्चात हिरण का शरीर पश्चात प्राप्त करने के बाद उन्होंने जड़ भरत का शरीर प्राप्त किया। उनका नाम रखा गया जड़ भरत क्योंकि उनकी हरकत एक जड़ के व्यक्ति के समान, एक पागल व्यक्ति के समान थी। वो वास्तव में पागल नहीं थे, लेकिन ऐसे केवल दिखाते थे कि वो पागल है, ताकि संसार के लोग उन्हें बांधने का प्रयास ना करें। तो महाराज रहुगण की पालकी ढोने वाला कम पड़ गया, तो उनके उनके सेवकों ने एक मोटे तगड़े व्यक्ति को देखा जो कि जड़ भरत थे, और उन्हें पालकी ढोने के लिए लगा दिया। और जब पालकी ढो लिया उन्होंने, तो अब वो पालकी ढोए तो उन्होंने देखा चींटियां हैं, तो बाकी पालकी वाले, तीन पालकी वाले तो बिल्कुल हिसाब से हार्मोनिकली चल रहे थे, लेकिन जैसे ही चींटी को देखते थे तो ये इधर उधर पैर रखते थे। इस कारण से जो पालकी में बैठे राजा थे वो बहुत परेशान हो गए, और उन्होंने कहा कि तुम, हाँ, उन्होंने बहुत ही आयरनिकली आयरनिकली अर्थात उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि तुम तो बहुत दुबले पतले हो, और बहुत क्योंकि बहुत ही मोटे तगड़े थे महाराज भरत, जड़ भरत, तो तुम बहुत दुबले पतले हो, और जब भी सब काफी शक्तिशाली थे तुमको, तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, तो और तुम बिल्कुल ही मतलब वो जवान थे, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें वृद्धावस्था ने घेर लिया है। तो इस प्रकार से महाराज रहुगण ने भरत को, जड़ भरत को, उस प्रकार से बहुत उलाहने दिए, बहुत सारे आयरनी क्या बोलते मजाक किए, इस तरह मजाक नहीं बोल सकते, बोलेंगे उपहास किया। तब इससे पहले जड़ भरत ने कभी किसी को उपदेश नहीं दिया था, लेकिन आप पहली बार उपदेश देना शुरू करेंगे। क्या उपदेश देंगे, वहां पे उपदेश आएंगे किस प्रकार से, महाराज आप सही बोल रहे हैं कि आप किसको बोल रहे हैं कि मोटा या पतला, मैं मोटा हूं या पतला हूं, शरीर मोटा और पतला होता है लेकिन मैं ना मोटा हूं ना पतला हूं, शरीर वृद्ध या जवान होता है लेकिन मैं न वृद्ध हूं न जवान हूं, शरीर के अंदर शक्ति का अभाव या शक्ति शक्ति की पूर्णता या शक्ति का अभाव होता है, लेकिन जीवात्मा दोनों ही अवस्थाओं से परे है, शरीर के अंदर पुरुष और स्त्री का भेद होता है लेकिन आत्मा तो उससे परे है। तो इस प्रकार से जब रहुगण को महाराज भरत इस प्रकार का बहुत सुंदर उपदेश देंगे, जो भगवद गीता के इन अध्यायों में भगवान ने उपदेश दिया है, इस अध्याय में शरीर आत्मा का,
वहां पे जड़ भरत रहुगण को बहुत विस्तृत वर्णन करेंगे, विस्तृत व्याख्या है। तो उस चैप्टर से हम कुछ सुनेंगे कि क्या एक्चुअली बताना चाह रहे हैं। दूसरा इसी प्रकार का प्रवचन जानते किसने किसको किया, हिरण्यकश्यपु ने हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात अपनी माँ दिति और हिरण्यकश्यपु की पत्नी के सामने किया, हिरण्याक्ष की पत्नी के सामने। भगवान वराहदेव ने जब हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्यकश्यपु सांत्वना देने के लिए पहुंचा अपनी माँ दिति और हिरण्याक्ष की पत्नी को, और सांत्वना देते समय वहां पे सेम इस प्रकार के आत्म तत्व विज्ञान आत्मा के विषय में उन्होंने उपदेश दिया। किसने उपदेश दिया, हिरण्यकश्यपु ने उपदेश दिया। तो ये भी श्रीमद्भागवतम के तृतीय स्कंद में आता है, हम वहां से भी सुनेंगे कि ऐसे कौन से उपदेश हैं जो हिरण्यकश्यपु दे रहा है। और वहां पे एक बहुत सुंदर यमराज की कथा, यमराज एक छोटा बालक बन करके एक एक राजा था जिसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी पत्नी अभिलाप करती है, तो छोटा बालक बन के यमराज जाते हैं और उनको उपदेश देते हैं और वहां पे भी आत्म तत्व का प्रवचन करते हैं, तो उस प्रवचन को भी हम सुनेंगे। तो भगवद गीता में जो प्रवचन बहुत कम श्लोकों में, लगभग लगभग 12-15 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने किया है, तो जो 12-15 श्लोकों में जो भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को आत्म तत्व का, उसकी विस्तृत व्याख्या भागवतम में कई कई उपदेशों में आई है। हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात हिरण्यकश्यपु का उपदेश, जड़ भरत का उपदेश, इसी प्रकार से हम देखेंगे प्रहलाद महाराज की मुलाकात हुई थी एक अवधूत के साथ सातवें स्कंद में, वहां पे भी आता है इस तरह का, और कई कई उपाख्यान आते हैं। और उसी प्रकार से आपने देखा होगा भगवदगीता के भगवदगीता में एक फोटो बनी हुई है जिसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि ये जो ये वाली फोटो आप देख सकते हैं, ये वाली फोटो, इसमें क्या बताया गया है कि आत्मा है और ये शरीर एक रथ के समान, इसमें इंद्रिय रूपी घोड़े हैं। तो ये मिलता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में बात कहाँ से आती है, तो कठोपनिषद में ये नचिकेता का महाराज यमराज के साथ में यमराज से चर्चा हुई थी। तो नचिकेता ने 3 वरदान मांगे थे यमराज से, जिसमें से आखिरी वरदान था वो आत्म तत्व विज्ञान को जानना चाहता है। और तब इसी प्रकार का प्रवचन जो भगवान कृष्ण अभी अर्जुन को कर रहे हैं, यमराज ने नचिकेता को किया था, और उस दौरान उन्होंने ये बताया था कि शरीर है एक रथ के समान है, इंद्रियां घोड़े के समान है, और जो मन है, लगाम है, बुद्धि है, सारथी है, और उसके पीछे आत्मा बैठी हुई है। तो इस प्रकार का उपदेश उन्होंने किया था शरीर और आत्मा का विश्लेषण करके। तो ये भी हमको, ये जो शरीर, ये जो यहाँ पे आप भगवदगीता के तात्पर्यों में जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्मा का कितना कैसा साइज होता है, तो ये सब भी यमराज ने नचिकेता को बताया था। यहाँ पे भी कोट किया गया, श्वेत उपनिषद कोट किया गया है और अन्य उपनिषदों से कोट किया गया है। तो ये सब भी चर्चा कठोपनिषद में उस संवाद में आती है। तो आत्म तत्व विज्ञान कई कई जगहों पे चर्चा किया गया है, और लेकिन इसका जो मूल आधार है वो भगवत गीता है। इसी प्रकार से महाराज जनक को अष्टावक्र ने आत्म तत्व विज्ञान का प्रवचन किया था, तो ये भी हम उसमें से सुनेंगे। अष्टावक्र गीत, अष्टावक्र ने इस प्रकार से प्रवचन किया था, तो इस विषय में हम अगले सप्ताह में और डिटेल में सुनेंगे। तो आगे भगवान बताएंगे, बसाम से जिन्नानी यथा विहाय नबानी गृहणाति नरो प्राणी, जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़ के नए कपड़े धारण करता है, तो आत्मा पुराना शरीर छोड़ के नए शरीर को धारण करती है, इस प्रकार से सुनेंगे। 23 नंबर श्लोक में आएगा, नैनम छिदंते शस्त्राणि नैनम धाति पावक, आत्मा को जला नहीं सकते, शास्त्र छेदित नहीं कर सकते, न गीला कर सकते, न सुखा सकते हैं। अच्छा, आत्मा अखंडित है, अघुलनशील है, इसको सॉल्यूबल नहीं, किसी घोल में घोल नहीं सकते, ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है, शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, इसके अंदर विकार नहीं आता, शरीर विकारी है, शरीर में विकार आता है, और सदैव एक सा रहने वाला है। या अव्यक्तोयम अचिंतोयम, ये अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनशील है, अचिंत्य है, ये जानकर तुम शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, भगवान इस प्रकार से। तो 30 नंबर श्लोक तक भगवान ने आत्म तत्व का प्रवचन किया है। ये किस किस विषय में प्रवचन किया है, जो अर्जुन का जो पॉइंट था, आउट ऑफ कंपैशन, मैं अपने पूर्वजों को मारना नहीं चाहता हूं, तो इसलिए भगवान ने इस सांख्य का वर्णन किया। सांख्य अर्थात भगवान ने शरीर और आत्मा का ठीक ठीक विश्लेषण करके अर्जुन को ज्ञान दिया,
और इस प्रकार का सिमिलर प्रवचन श्रीमद् भागवतम में, महाभारत में, कठोपनिषद में और अनेक अनेक पुराणों में, अनेक अनेक साधकों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा दिया गया है। तो उसमें से हम कुछ कुछ उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई कमेंट है, कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो अगले सप्ताह हम भगवान कृष्ण की वाणी तो सुनेंगे सुनेंगे, साथ में हिरण्यकश्यप की वाणी भी सुनेंगे। हिरण्यकश्यप क्या उपदेश दे रहे हैं, और हम भरत, मारा जड़ भरत जो रघुगण को उपदेश दे रहे हैं, उसमें से भी कुछ उपदेशों को सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कनेक्टिंग है, इसलिए जानना आवश्यक है हमारे लिए। हरे कृष्णा। मन में कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार कोई प्रश्न नहीं है। तो ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि।